हेलो दोस्तों, किरण किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दोस्तों मिल्क केक बनाना बताऊंगी और ये आसानी से घर में बन जाता है। तो अब दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने मोटी तली की कढ़ाई ली है एल्यूमिनियम की और उसको गर्म कर लिया अच्छे से। और मैं इसमें दोस्तों 1 किलो यहाँ पे मदर डेरी मिल्क डाल रही हूँ, फुल फैट दूध होता है ये, तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। आप 1 किलो दूध ले लीजिए। और दोस्तों गैस को हाई फ्लेम पे रखेंगे। तो दोस्तों हाई फ्लेम पे हमने दूध को रखा हुआ है, हम इसमें उबाल आने के बाद भी इसको जब तक चलाएंगे दोस्तों स्पैचुला से, इस टाइप से आप स्पैचुला लीजिए और इसको इस स्पैचुला के हेल्प से आप जब तक चलाइए जब तक ये दूध आधा ना हो जाए। तो देखिए दोस्तों इसमें उबाल आ गया है और अब हम इसको स्पैचुला की हेल्प से चलाएंगे धीरे धीरे। तो दोस्तों स्पैचुला की हेल्प से इसको हम जब तक चलाएंगे जब तक ये दूध आधा ना हो जाए, ये 1 लीटर है तो इसका 1/2 लीटर हम जब तक नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको चलाएंगे ऐसे लगातार, और इसको हाफ होने में लगभग 40 मिनट लगेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा दूध रिड्यूस हो चुका है बिल्कुल, ये आधा बच चुका है 1 लीटर को पकाते पकाते, ये 1/2 लीटर हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा नींबू डालेंगे, ये मैंने यहाँ पे आधा नींबू लिया है, केवल आप आधा ही लें और मैं इसमें ऐड करूंगी। और आप इसको लगातार चलाते रहिए जिससे कि ये फट जाएगा। तो दोस्तों अब हमने इसमें ये डाल दिया है नींबू और अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे तो ये दूध हल्का फट जाएगा। और आप इसको चलाना ना छोड़े, इसको लगातार आप चलाते रहिए तो ये दानेदार हो जाएगा दूध। तो दोस्तों इसको हम फुल गैस पे अच्छे से चला लेंगे और इसको और रिड्यूस करेंगे जब तक इसका दूध पूरा अच्छे से सूख नहीं जाता, जब तक हम इसको चलाते रहेंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके का ये टेक्सचर आ जाएगा दानेदार। और अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें चीनी ऐड कीजिए इस समय पे। तो दोस्तों चीनी डालने के बाद हम इसमें 1 टेस्पून इसमें घी ऐड करेंगे, देसी घी, और फिर इसको चलाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने घी ऐड कर दिया था और चीनी ऐड कर दी थी, तो अब दोस्तों हम इसको चलाएंगे। इसको जब तक चलाएंगे हम ये जब तक ब्राउनिश ना हो जाए हल्का, तो आप इसको ऐसे चलाते रहिए और रिड्यूस करिए। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पक्के रेडी होने वाला है ऑलमोस्ट, तो ये बिल्कुल अपनी ये जगह छोड़ देगा बिल्कुल पकते हुए। इसको हल्का ब्राउन होने तक पकाएं और जब तक दोस्तों ये पक रहा है जब तक हम अपना टिन रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये एक डोंगा ले लिया है, आपके पास केक टिन है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं इसको देसी घी से इसको ग्रीस कर दूंगी। तो यहाँ पे दोस्तों ये बन के बिल्कुल रेडी हो गया। तो यहाँ पे मैं गैस की फ्लेम को बंद करती हूँ और यहाँ पे दोस्तों मैंने ये डोंगे को ग्रीस कर लिया अच्छे से देसी घी से, चारों तरफ से आप इसको ग्रीस कर लीजिए। और अब दोस्तों मैं इसमें मिक्सचर डालूंगी। दोस्तों मैं इसमें अब ये डाल रही हूँ, मैंने इसको अच्छे से ग्रीस देसी घी से कर लिया था और अब मिक्सचर को मैं इसमें डाल रही हूँ डोंगे में। तो दोस्तों मैंने ये डोंगे में डाल लिया और इसको चम्मच से अच्छे तरीके से टैप कर दिया है, अच्छे से इसको दबा दीजिए कि इसमें एयर ना बचे। और फिर अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रखूंगी ढककर, कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे कूल टेम्परेचर में। तो दोस्तों मैंने इसको टिन को फॉइल पेपर से रैप कर दिया है और अब हम इसको एक टॉवल में लपेट देंगे। तो दोस्तों मैंने इसमें अपने टिन को बिल्कुल कवर कर दिया है टॉवल से, आप किसी भी कपड़े से इसको कवर अप करके रख सकते हैं, ये हवा में ही रखें, इसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना है। 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे कवर अप करके, फिर हम चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसको देख लेते हैं, इसको 4 से 5 घंटे हो चुके हैं ढक के रख के। और अब हम अपने मिल्क केक को देख लेते हैं कि ये कैसा बना है, कैसा सेट हुआ है। तो हमने टॉवल को हटा दिया है, अब हम फॉइल को हटाएंगे और देखेंगे। फॉइल को हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से सेट हो गया है। और अब मैं इसको पलट के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने मिल्क केक को निकाल लिया है बाउल से, अगर ये नहीं निकले आपसे तो आप इसको थोड़ा सा गर्म करके फिर निकाल लीजिए, आसानी से ये निकल जाएगा। मैं इसको सर्व कर देती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आप देख रहे हैं मिल्क केक बन के बिल्कुल रेडी है और ये खाने में बहुत ही स्पॉन्जी है और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है।
तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर दोस्तों आपको ये मिल्केक की रेसिपी मेरी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।